वजह है कि अब मैं नाम लूंगा किस वार्ड की प्रत्याशी भावना चौधरी जी का। और मेरे साथ खड़े हुए आपके अपने इंदौर के दिल के टुकड़े पुष्यमित्र भार्गव जी, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी इंदौर, मेरी ऐतिहासिक इंदौर, मेरी सांस्कृतिक राजधानी इंदौर, मेरे दिल के करीब मेरी इंदौर, सभी मेरे क्षेत्र के इंदौर शहर के मेरे सभी महानुभाव को मैं झुककर प्रणाम करना चाहता हूं। ये मां अहिल्या देवी की नगरी है और मां अहिल्या देवी की नगरी वीरता की प्रतीक है, महिला शक्ति की प्रतीक है और पराक्रम में विजय की प्रतीक सदैव है। इस मां अहिल्याबाई की नगरी में जब जब इस पवित्र माटी को छूकर अपने माथे पर लगाने का मौका मिलता है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। और इंदौर मध्य प्रदेश का केवल ताज नहीं, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि जो क्षमता मेरे इंदौर में है, इतिहास की क्षमता, संस्कृति की क्षमता, नौजवानों की ऊर्जा की क्षमता, महिला सशक्तिकरण की क्षमता, आज इस मंच से मैं अपनी ताई को भी याद कर रहा हूं जिस ताई ने इस शहर का, इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है और चार चांद इंदौर के इतिहास में भी लगवाया है। तो ये मेरा इंदौर की क्षमता है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये ऐतिहासिक शहर, ये संस्कार की राजधानी, ये इतिहास की राजधानी, ये आधुनिकता की राजधानी अगर किसी की साथ देती है तो सदैव सत्य, विकास और प्रगति की साथ देती है। ये नंबर वन का शहर है। अभी पुष्यमित्र जी कह रहे थे नंबर वन का शहर है। स्वच्छता में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच पांच बार, और आने वाले साल में छक्का भी लगने वाला है, छह बार स्वच्छता पर नंबर वन। आपने दिशा दिखाया है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बेहतरीन उदाहरण, आपने रास्ता दिखाया है पूरे भारत को, आपने रास्ता दिखाया है पूरे विश्व को कि स्वच्छता का उदाहरण कैसा होता है। नंबर वन स्वच्छता पर, नंबर वन वाटर सरप्लस के आधार पर। पूरे देश के शहरों में पानी की किल्लत है लेकिन इंदौर एक ऐसा टापू है जहां वाटर सरप्लस की स्थिति है। और अगर नंबर वन स्वच्छता में काफी नहीं, नंबर वन वाटर सरप्लस में साफ काफी नहीं, स्मार्ट सिटी में भी आप लोग नंबर वन पे हो। तो ये मेरा इंदौर है जो नंबर वन का इंदौर है। और अगर इंदौर ने कुछ करके दिखाया है तो ये करके दिखाया है कि स्वच्छता, सोच, विचारधारा और क्रियान्वयन के बीच में जो बड़ी खाई होती है ना, वो खाई को समाप्त करके जो सोचा है वो करके दिखाने की क्षमता इंदौर के लिए। तो आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आपके सामने इंदौर की विचारधारा है। आकाश, आपके सामने इंदौर का इतिहास है।
इंदौर का कल जिसका जिक्र इस नौजवान ने किया, 20 साल पहले जब उस पार्टी की सरकार थी ना, हमको ढूंढने पड़ते थे कि सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ है। याद है, हमें ढूंढने पड़ते थे कि सुविच की लाइन कहां शुरू होती है और समाप्त होती है। और पानी के लिए आप लोग नहीं, लेकिन मेरी महिलाओं को सुबह सुबह लाइन में खड़ा रहना होता था बाल्टी भरने के लिए। वो इंदौर का कल और उस इंदौर के कल से दाई के नेतृत्व में, चार महापौरों के नेतृत्व में, कैलाश जी के नेतृत्व में, जब पहले कैलाश जी ने महापौर बने, उसके बाद उमा शर्मा जी महापौर बनी, उसके बाद मोगे साहब महापौर बने, उसके बाद मालिनी जी महापौर बनी, वो फासला हमने तय किया इंदौर में, जहां उस स्थिति से आज तक हम लेके आए हैं जब इंदौर केंद्र विकास और प्रगति का पूरे देश का मध्य जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, ये संयुक्त नेतृत्व की देन है। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी सेवा भाव की सोच है, अंत्योदय की सोच है, हर एक गरीब के कल्याण की सोच है, सेवा की सोच है भारतीय जनता पार्टी की, सुशासन की सोच है भारतीय जनता पार्टी की, गरीब कल्याण की सोच है भारतीय जनता पार्टी की। और प्रधानमंत्री जी ने तो ये कहा है कि सरकार भारत में या प्रदेश में ऐसी बननी चाहिए जो गरीबों का सुने, ऐसी सरकार बननी चाहिए जो गरीबों की सुने, ऐसी सरकार बननी चाहिए जो गरीबों की सोचे, और ऐसी सरकार बननी चाहिए जो गरीबों के सुनकर, गरीबों के लिए सोचकर, गरीबों के लिए जीने का संकल्प ले पाए। ये भारतीय जनता पार्टी है मेरे भाई और बहनों, और वो सफर हमने तय किया है। आज इंदौर स्वास्थ्य का केंद्र बना है, अनेक अस्पताल बन चुके हैं, वही इंदौर है जहां एक ही शहर में दोनों संस्थाएं IIT और IIM स्थापित हैं, वही इंदौर